मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, वा प्रशांत सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर आदि महाराजों की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर महाराज की, खैरागढ़ का यह प्रवास, और उसमें भी उस का यह धर्मपुरा उपनगरी क्षेत्र में आचार्य महाराज जी का, मैं समझता हूं धर्मपुरा में प्रथम बार आगमन हो रहा है। खैरागढ़ वाली रस्ते से कई बार गुरु जी का आना जाना हुआ, लेकिन इस धर्मपुरा में प्रथम बार गुरु जी का आगमन हो रहा है। धर्मपुरा नाम बता ही रहा है कि जहां पर सभी लोग किसी भी धर्म में जाति के हों, अपने अपने इष्ट देवताओं की आराधना पूजन भक्ति भाव से करते रहते हैं। काया के मंदिर में देखो अजर अमर है ठहरा, बाहर देखो घात लगाए मरण दे रहा पहरा। काया के मंदिर में बाहर शरीर के रंग अलग अलग होते हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई मोटा होता है, कोई दुबला होता है, कोई रुग्ण होता है, कोई स्वस्थ होता है, इस शरीर की स्थिति है। लेकिन उसके अंदर क्या बताया है, अजर अमर है ठहरा। वह अजमर कौन, अजर अमर कौन सी वस्तु है, आत्मा है, जीव तत्व है, वह जीव पदार्थ है, वह जीव अस्थिकाय है, जो कि उसके अंदर ठहरा हुआ है, अजर अमर है। क्योंकि उसका न कोई रूप होता है, न कोई गंध होता है, न उसे कोई प्रकार के उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण इन सबसे अलग होता है। जो बाहर जितने भी रूप रस दिख रहा है, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, पुद्गल द्रव्य का परिणाम देख रहे हैं। हम लोग जो बाहर देख रहे हैं वह सब अचेतन वस्तु को देख रहे हैं, उसी में मशगूल हो रहे हैं। जबकि आगम कहता है, जिनवाणी कहती है कि नहीं, अंदर जो आपके लिए अजर अमर ठहरा है उसकी चिंता करो, क्योंकि बाहर देखो घात लगाए मरण दे रहा पहरा। वह हम अपनी सुरक्षा के लिए जो बड़े बड़े नेता होते हैं और जो अच्छे रईस होते हैं, वह अपने सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लगा लेते हैं, गनमैन लगा लेते हैं, सुरक्षा रहे। लेकिन बाहर घात लगाए कौन बैठा हुआ है, मरण। उन पहरेदार वो आपको सोचने नहीं करेंगे। बाहर तो प्रत्येक जीव के साथ में पहरा देने वाले तो मौत और मरण है। वह चाहे एक इंद्री जीव हो, दिन जीव, तीन इंद्री, चार इंद्री, चौन इंद्री, पंच इंद्री, कोई भी जीव हो, हाथी हो या चींटी हो, इंसान हो या कोई भी जाति का हो, जाति कौन सी है, पंच इंद्री जाति होती है, किसी भी गति का जीव हो, सबके साथ में मरण दे जाता है, पहरा देता रह रहा है। इसलिए उसकी चिंता करना चाहिए, कभी भी वह घास लगा सकता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं ना कि मल्टी बिलिया जीव, उनकी मौत कभी उनकी आएगी, हमारी थोड़ी ना आएगी। जैसे कि आपने ठेका ले रखा है आपकी मौत ने, कि आपका तो भरोसा है, सामने वाले का भरोसा नहीं है, जबकि मौत किसी से भी सौदा नहीं करती है। एक अच्छा आपको उदाहरण बता रहे हैं, संत पलटू राम हुए हैं। उस संत कैसे बने हम आपको बताना चाहते हैं। वो पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए थे, उनकी नजर गई कि जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं उसके, अच्छा बड़ा पेड़ है, बरगद का बड़े वृक्ष होगा, उसमें एक मधुमक्खी का बहुत छत्ता लगा हुआ है, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। और देख रहे हैं, उन्हें देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो यहाँ की मधुमक्खी कितनी सुरक्षित है, इनको ना पानी का डर है, ना कोई भी व्यक्ति आकर इनके लिए, कोई भी पशु पक्षी डर है, ना कोई भी ऐसी आपदा आ जाएगी, कुछ भी डर नहीं है। मधुमक्खी आराम से अपने भ्रमण करती है और फूलों में जाकर के अपना पराग को चुन करके लाती है, इकट्ठा करती है। उनका जीवन निर्वाह निर्बाध गति से लगातार चल रहा है, उन्हें कोई भी डर नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, ना उनको कोई भी चिंता है, आराम से उनका
ऐसा वो सोच रहे थे कि इसी प्रकार से हमारा जीवन भी सुरक्षित हो जाए, कहना ही क्या है। इतना विचार कर ही रहे थे तभी उन्होंने देखा एक काला कूटा काला व्यक्ति वहां पर आया और आकर अपने हाथ में मसाल लिए हुए था। मसाल बुझी हुई नहीं, जली हुई को राख कहते हैं, बुझी हुई को राख कहते हैं, जली हुई को आग कहते हैं। आज सबके माहौल चेहरा बहुत खुश नजर आ रहे हैं ना, आज को विशेष होने वाला दोपहर को ऐसा सबको लग रहा है। लोग बता रहे थे ना कि इकट्ठे भारत के महाशहर में सभी विदेश की बावन हस्तियां और देश की हस्तियां इकट्ठी हो रही हैं। अब ऐसा व्यक्ति सोच रहा है व्यक्ति कि अब इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी, इन मक्खियों के लिए बहुत जीवन सुरक्षित है। बिछा मेरे साथ भी ऐसा कितनी अच्छी बात है, अगर अपना सुरक्षा चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, किसी को बीमारी हो जाए तो वो सोचने लगता है कि अच्छा आशीर्वाद दीजिए हम ठीक हो जाए, जबकि विचार करना चाहिए ये आशीर्वाद देना चाहिए हे आचार्य श्री, ये हम उसको जो बीमारी दुख आए हैं या कुछ भी परेशानी आई है, मेरे पुराने पूर्व कर्मों का उदय है, उस कारण से मैं परेशान हो रहा हूँ, हमको इतना आशीर्वाद दे दो कि इस परिसर को, इस कष्ट को, इस परेशानी को सहन करने की हमको क्षमता आ जाए। ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए गुरु से, भगवान से, ताकि मैं उसमें संयम रह सकूं, क्षमता रह सकूं, आग में ऐसे कर्म ना बंधे जिस कारण से मुझके पूर्वी है वातावरण फिर से मुझको निर्मित हो सके। पलटू राम ये सोच रहा था कि बड़े स्वच्छ जीवन इनका है, वो मसाल लेकर वो व्यक्ति आया, उसने वहां धुआं किया, सब किया, उन मक्खियों के लिए क्या सा क्या हुआ सब जानते हैं, और सबको अलग करके उनका मन करके उस व्यक्ति ने उस छत्ते को अपना निचोड़ा, क्योंकि छत्ते से मधु प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं ना मधु शुद्ध होता है, अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, जबकि जैन आगम में कहा गया है मध्य मास मधु तीनों अवक्ष ही नहीं अनुपसेव भी नहीं, ये तो त्याग करने योग्य है। अष्टमूल गुणों में कहा जाता है कि पांच अष्टमूल गुण होते हैं ना, तो पांच उदम्बर फल और तीन मकार, इनका त्याग करने पर ही वह श्रावक कहलाता है। इसे मधु शुद्ध नहीं है, आप विचार कर लेना मधुमक्खी आपके घर में जो अटैच बाथरूम रहते होंगे, क्या ये बताइए जो मधुमक्खी छत्ते होते हैं उनके यहाँ पर अलग से व्यवस्था है क्या वहां पर ऐसी, तो वो सब वहां सब जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। जैन दर्शन देश हमारा पूरा अहिंसा प्रधान दर्शन है, अहिंसा की यहाँ पर पूजा होती है। पलटू राम की बात नहीं छोड़ देते हैं, हम आपको अगली बात बता रहे हैं, अहिंसा की बात बता रहे हैं। आचार्य संस्मरण सुनाना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं संस्मरण आचार्य श्री का लेटेस्ट बिल्कुल ताजा। अभी बिहार चल रहा था और 16 तारीख की बात है, शाम को आचार्य श्री जैसे भी यहाँ पर रुके हुए ना पहली मंजिल में, शाम को साहू जी है वो ढारा गाँव कहलाता है डोंगरगढ़ से बिहार होने के बाद भी, वहां पर आचार्य सभी हम लोग वहां बिहार करके गुरु जी वहां रुके हुए थे। अब 4:30 बजे वहां बिहार हो गया, यहाँ पर आकर के रुक गए थे। अब लोगों को पता चल जाते हैं बिहार में पत्नी कहाँ चले जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अन्य बिहारी अन्य आहारी का कोई भरोसा नहीं है, इन्हीं का नाम अतिथि है, जिनके ना जाने की तिथि पक्का है ना आने की तिथि पक्का है, तो लोग सोचते चलो दर्शन करने पर ही कहाँ मिलेगा। और उस समय दर्शन करने के लिए उस दिन देहरादून आगरा बेंगलोर और बाहर बाहर से अन्य स्टेशन से भी लोग आए थे, आसाम वगैरह से गुवाहाटी से लोग आए हुए थे। अब उन सबने कहा हमको दर्शन करना है आचार्य के, हमने कहा आचार्य तो वहां पर आराम से पहुंच गए हैं पहली मंजिल पर, आगे छत्ती पीछे दो कमरे थे। अब हमको भी लगा कि श्रावक इतनी दूर से आया है, सब चाहते हम भी चाहते हैं कि जैसे हम लोग को दर्शन मिलते हैं आप लोग को उससे ज्यादा दर्शन मिले, हम लोग की भावना रहती है। अब उन श्रावकों की हमने भावना देगी सब की, हम क्या क्या हम लोग आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, प्रतिमण होने लग हो जाए, प्रतिमण होने वाला है, उसके बाद में प्रयास करेंगे। तब जब प्रतिमण हो गया तो हमने आचार्य श्री से कहा आचार्य श्री ये छत बाहर है और सामने सड़क है, जैसे सड़क बनी हुई ना यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और सबको दर्शन करना, दूर से आप उनके लिए आशीर्वाद दे दीजिए, बस सामने पास एक मिनट की बात है, आधे मिनट की बात है। बड़े कृपालु आचार्य श्री, करुणा करुणा निधान है, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया। मेरा क्या इन भक्तों की भावना रहती है वो काम करती है, जितने भी दर्शनार्थी आते ना वो कामना वो काम करती है, उन जितने भी दर्शनार्थी आते उनकी भावना को देखते हुए आचार्य महाराज जी छत पर आकर के सभी के लिए आशीर्वाद उन्होंने दिया।
अब अगली आपको बात बताना चाहते हैं, ये तो हमेशा आप देखते सुना होगा आपने 5-6 सालों से। अब जब आचार्य सबको आशीर्वाद दे रहे थे तो हमने कहा आचार्य श्री, बाजू में खड़े खड़े कहा आचार्य श्री, आचार्य कल 17 तारीख है और सभी जगह चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग मतदान होने वाले हैं और ये मतदान का माहौल चल रहा है और इस समय जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं, राजनीतिक नेता की बात कर रहे हैं, वो सभी हर जगह जा रहे हैं, जहां जहां पर जिन राज्यों में मतदान होना है वहां जा करके रोड शो करते हैं, सड़क में खड़े होकर के मंच बना करके सबके लिए निवेदन करते हैं, मतदान हमारे पार्टी को मतदान दे करके बहुमत मत से जितावे, ऐसा सभी लोग आप सुनो ना, रोड शो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, सभी आकर के क्या कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हमने कहा आचार्य श्री आप तो धर्म के नेता हैं और आज भी आप सबके लिए सड़क पे खड़े हैं, आज भी आप सबके लिए रोड शो कर रहे हैं। तो पास में एक नौजवान खड़ा हुआ था तो उसने कहा आचार्य श्री, उसने कहा हमसे, हमारे कानों से बोला कौन सी पार्टी के हैं आचार्य श्री, रोड शो कर, कौन सी पार्टी का रोड शो कर रहे हैं। तो हमने कहा आचार्य श्री ऐसे दिखा रहे हैं, समझ लो आप क्या कह रहे हैं। तब आचार्य श्री क्या बात कही हम आपको बताना चाहते हैं, आचार्य श्री ने कहा तुम लोग पूछ रहे हो हम कौन सी पार्टी के हैं, आचार्य श्री ने कहा मैं तो अहिंसा पार्टी का हूं, जहां हमेशा अहिंसा की पूजन होती है, ये अहिंसा हमारा सबका सौभाग्य है कि हम अहिंसा पार्टी के उसमें जन्म लिए हैं, उसकी आराधना उपासना करते हैं, इसलिए मध्य मास मधु का हम सभी त्याग करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसने देखा कि देखो मैं सोच रहा था पलटू राम कि मैं कि मधुमक्खी जीवन सुरक्षित है, इनका इनका जीवन कुछ भी सुरक्षित नहीं है, और उसने उसे में सोच लिया कि अब तो कोई पल का भरोसा नहीं है, और उस समय उसने विचार कर लिया अब मुझको अपने भगवान की आराधना करनी है, प्रभु की भक्ति करनी है, गुरु की उपासना करनी है, साथ में परोपकार करना है, सब मानव की सेवा करना है, जीव दया करना है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वह संसार मार्ग से इस अध्यात्म मार्ग में आ गए, ऐसा पलट गए, इसलिए उनका नाम पलटू राम रखा गया है। मालूम आपको नहीं मालूम है, काफी अच्छा उनका नाम सुना हुआ है ना। तो ये मकान जितने भी आप हम सब बना रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है, जिस मकान में हम रह रहे हैं ऐसा मौका भी आता है कि ऐसा कर्म कदर भी आता है, उस मकान से हमको निकाला जाता है, सामने देखा जाना होगा, इसलिए मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, एक पुराना गाना आपने सुना होगा ना, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जितने रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं आदमी हूं आदमी से। तो यह अहिंसा संत सही कहता है, अहिंसा उसे कहता है कि मैं आदमी नहीं, मैं तो जीव हूं, मैं जीव हूं, हर जीव से मैं प्यार करता हूं, हर जीव की मैं रक्षा करने की भावना भाता हूं, ऐसा यह अहिंसा प्रधान देश धर्म है, जहां पर हम सभी उसकी उपासना करते रहते हैं, इसलिए हमको भेदभाव को छोड़ करके, ऊंच नीच को छोड़ करके इन सब की भावना भाना चाहिए। अभी समय तो है ना, हम आपको एक अच्छा उदाहरण बता रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, एक व्यक्ति दक्षिण भारत का था, दक्षिण भारत के लोगों का कलर थोड़ा डाउन रहता है, स्वाभाविक रहता है, वहां पर धूप वहां मेहनत ज्यादा करते हैं ना, हाँ, तो इसलिए हमने अहंकार को छोड़ करके, ईर्ष्या द्वेष भावना छोड़ करके सब जीवों में दया करें, सबको चाहें, सब में प्रेम करें, तभी हमारा जीवन उन्नत हो सकता है। जैसे पलटू राम पलट गया, उसके भाव बदल गए, वह जो सोच रहा था कि मौत तो हमको आएगी नहीं, मौत सभी को आ सकती, कभी हो सकती है, इसलिए मौत का पहरा हमेशा बना हुआ है, उस पहरे को देखते हुए हमको हमें सजग रहना है, अहिंसा धर्म की उपासना करते रहना है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा जीत, हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन जो से रो शरणा गए।